तो कल कैपिटल बूस्टिंग स्टार्ट किया था। कैपिटल बजटिंग में ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है। टोटल मिलाकर हमने 6 मेथड्स पढ़ना है, उसमें से पहला डिस्कस किया था पे बैक पीरियड। और पे बैक पीरियड में हम क्या होता क्या था कि यार जो पैसा लगा रहा है कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, और जो भी पैसा लगा रहे हो एक प्रोजेक्ट में 2 साल में रिकवर हो रहा है और एक प्रोजेक्ट में 3 साल में रिकवर हो रहा है, कौन सा वाला अच्छा होगा? 2 साल वाला। यहाँ तक कर लिया। फिर पे बैक पीरियड में एक समस्या आई कि यार मैं कैश फ्लो लिख रहा था, तो वो कैश फ्लो एक्चुअल में होता था कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और कैसे निकालते थे? CFBT दिया होता था। CFBT मतलब सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दीजिए फिर डेप्रिसिएशन, तो CFBT दिया रहता था। तो डेप्रिसिएशन माइनस करते थे बेकार में, क्योंकि मुझे टैक्स का अमाउंट पता करना था। ये सारा लॉजिक मैंने आपको दे दिया। चलो जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर। एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मशीन अच्छे से करना इसको, है ना? दो तो लाख डेप्रिसिएशन 20%। डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता सकते हो कि 2 लाख का 20% कितना होता है? 40 है। CFBT सीजर टैक्स थर्टी परसेंट CFAT क्वेश्चन मार्क। बताओ कैसे करना है? CFBT अस्सी हजार माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन कितना जाएगा यार? 40,000। ये जो आया इसका नाम क्या रहा? PBT 40,000। टैक्स और टैक्स का रेट कितना है? 30% कितना आ गया? 12,000। या तो कोई दिक्कत? तो अब क्या जाएगा? CFAT। अब मैं जादू दिखा रहा हूँ, ये मुझे मालूम है और ये भी मुझे मालूम है, तो 1 माइनस 2 सीधा भी तो कर सकते हो। 80,000 माइनस 12,000 68,000। ठीक, कौन सा वाला ज्यादा सही है?
अगर 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 टाइम बचाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि पेट की तो हमको जरूरत नहीं पड़ती। हम एक्चुअल में ये सब सारा काम कर रहे हैं टैक्स का अमाउंट, और जैसे ही टैक्स का अमाउंट पता लगा तो इसी में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक बार नोट कर लो साइड में कि हम ऐसे भी निकाल सकते, इसी एग्जांपल में नोट कर लीजिए। सर हमारे इंस्टीट्यूट ने कैसे निकाल रखा, दोनों तरीके से, जो आपने किया वैसे भी है, काफी कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी है तो बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे किया है, तो ये आसानी से समझ में आ गया। क्या आप पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं? एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, कई बार कॉस्ट ऑफ मशीन भी बोला जाता है, कोई फर्क नहीं। दो लाख 50 हजार लाइफ आसम, CFBT। जैसे यार जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ यार हर साल सेल्स होगा, तो हर साल क्या एक जैसा सेल्स होगा? ये तो गड़बड़ है ना यार। इट मीन्स हम ये कि यार नया प्रोजेक्ट रहेगा तो हो सकता थोड़ा कम बिक्री हो, धीरे धीरे फ्लो बनेगा, हमारा ऐसा भी मानना हो सकता है। इट मीन्स CFBT क्या हर साल एक जैसा हो सकता नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। तो मैं आपको अलग अलग ही दे देता हूँ, जैसी आपकी खुशी। जुगाड़ लगा के दे रहा हूँ क्वेश्चन ताकि आप को दिक्कतें खड़ी हुई। 40 हजार AD 1,000 1,40,000 1,10,000 1,10,000 हो गए, 10 हजार ठीक है, और 70 हजार ठीक है यहां तक। और एक चीज चाहिए आपको, और वो क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन 20% पर एनम। इस बार CFAT एक बार नहीं निकालना पड़ेगा, 5 बार निकालना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। इट मीन्स यहां जैसे एक ही बार में होता था ना, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बने, ठीक है। टैक्स भी दे रहा हूं पर पहले बताओ डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, कुछ ना बोला जाए तो। सही बोल रहे हो, WT। हाँ मैंने तो कहा जब रेट दिए दे रहा हूं तो लाइफ का मतलब ही नहीं बनता, आपको 5 साल तक लगाना। हाँ मतलब वो तो पहले साल का है, पर WDV मेथड में खास बात यह है कि हर साल अलग अलग आता है। अगर रेट दिया है और कुछ नहीं बोला है तो WDV ठीक, सही तो बोले थे यार। ये लो खुश ना, खुश खुश ठीक है, ये लो खुश। अब तो कोई अब क्वेश्चन पे चैलेंज मत करना, WDV लिखा है।
कैलकुलेट, अच्छा टैक्स क्रेडिट कितना परसेंट हुआ क्या? इतना एग्जाम्पल करते बच्चे, इतना एग्जाम्पल करते हैं, पेपर में आया टैक्स रेट 35%, बच्चे करके आए 30%, तो वही है कि थोड़ा सा रटन मत लेना, 35%, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। हाँ वो याद हो जाता है। देखो कि कैलकुलेट क्या निकालना है आपको, पे बैक पीरियड, कहाँ सी है पे बैक पीरियड। अब वो पे बैक पीरियड क्या होता है सर, वो बाद में, पहले इसके लिए पे बैक पीरियड के लिए हमको क्या निकालना होगा, सी एफ ए टी। पहले सी एफ ए टी निकाल रहे हैं। एक दो तीन चार पांच, ठीक है। मेरे पास सुबह ना सीए फाइनल के बच्चे आते हैं, अच्छा है उनका सीए इंटर का रिजल्ट, और अटेम्प्ट भी अभी नहीं है पास में, नवंबर 25, मई 25, वो वाले बच्चे, उन बच्चों में एक खास बात क्या मालूम है, स्केल यूज करते नहीं। मैं ये, हाँ सर वो तो बच्चों वाला काम है, स्केल कौन यूज करता है यार, हम तो हंसे, लेकिन करोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। आज मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कोशिश ट्राई कीजिए। सी एफ बी टी बोलो, पहले साल का 40,000, अस्सी हजार उनका टेस्ट पेपर देखोगे ना, मेरे पास रखा हुआ, कैसे नंबर काटू देखकर ही लगता, भले गलत किया है लगता है, इतना सुंदर 1,40, जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। अभी तो मैं टेस्ट लूंगा ना आपका, 70,000। अभी माइनस क्या करना है भाई, डेप्रिसिएशन, और कौन सा मेथड है, WDV, हर साल कम होते जाते। पचास हजार, 40, बत्तीस, फिर 400। कोई बताएगा कैलकुलेटर में कैसे करोगे? हाँ नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, पर सुन लो क्योंकि एक आज नहीं तो कल काम आएगा ही आरंभ करेगा। पहला यह है कि 2,50,000 का कितना परसेंट निकाल रहे हैं, 20%, फिर माइनस 20%, फिर माइनस 20%, माइनस 20%, ये करते हुए चले, सीधा तो है, 2,50,000 इंटू 20%, 50 माइनस 20%, 40 माइनस 20%, 32 माइनस 20%। दूसरा अगर गहराई से सोचो, पहले साल का तो 50, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो, बड़े अच्छा कैलकुलेटर का यूज, 50,000 है, अगले साल जो डेप्रिसिएशन आएगा ना वो पहले साल से कम ही आएगा, और खास बात है कि 80% आएगा, 20% कट रहा है ना तो 80% है, तो हम पहले साल का डेप्रिसिएशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कैलकुलेटर में लिखी है 0.8, 0.8 लिखा इंटू 50,000, ठीक, फिर इक्वल टू करो 40, फिर इक्वल टू करो 32, फिर इक्वल टू, ये चाहिए
पर मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक है पता ही लगे क्या करना, ये वाला ज्यादा सिंपल है इसमें कोई। अभी क्या क्या पीबीटी और पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, खास बात ये है कि यहां नेगेटिव आ गया 10,000, फिर 40,000, फिर 1,08,000, ₹84,400, ₹49,520, ठीक। अब क्या आएगा भाई टैक्स, और टैक्स का रेट कितना है 30%, सॉरी 35%, लॉस का टैक्स लगेगा। हाँ आपके लिए भी नहीं बात है, आप सोचो क्या पागल हो गए ये बाकी लोग। ये समझाना है ठीक, कितना 14,700, 29,540, 16, ये आता ना कि भाई कैलकुलेटर में जो है वो हमारा 0.35 से हो गया होगा और उसी को मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हो क्या, ये आता है सब लोग। करे आगे TF80, इसको लिया 1 और टैक्स को लिया 2, तो 1-2, हाँ तो आप वैसे जा सकते हो आगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा सीधा कर रहा हूँ। 40,000 क्या है फायदा और 3,500 ये भी फायदा, तो टोटल मिलाकर यहाँ कितना लिख सकते हैं 43,500। बस ऐसे ही करते जाएंगे 80,000 - 14,000 - 66,000, 1,40,000 - 37,800, 1,022,000, 1,10,000 - 29,540, 80,460, और 70,000 - 52,668 का नंबर मिलेगा आपको टेप मार्किंग। हालांकि ये मांगा नहीं है पर इसके बिना काम भी नहीं है। आप पैट के थ्रू जा रहे हो तो आप जा सकते हो ऐसा, उस पर भी नंबर मिलेगा पर ये थोड़ा जल्दी हो जाए। हमें मांग क्या रहा था, पे बैक पीरियड, कितने साल में पैसा रिकवर हो जाए। ठीक है सुनो, पे बैक पीरियड समझा रहा हूं, कितना पैसा लग रहा भैया 2,50,000, तो पैसा जमा कर रहे हैं हम लोग, तो कितने ईयर में ये 2,50,000 रुपए जमा हो जाएगा, बस वही है पे बैक पीरियड और कुछ नहीं। इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है, नहीं फॉर्मूला वो तो हम कर लेंगे, मतलब वो वाला हमने फॉर्मूला लिखा था ना जिसमें हर साल एक जैसा हो, वो तो नहीं लग सकता, टेबल बनाना पड़ेगा। चलो तो अब करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड।
पहला जो कॉलम आएगा वो आएगा ईयर, दूसरा आएगा सी एफ ए टी, और तीसरा आएगा क्यूमुलेटिव सी एफ ए टी। तो भाई पहले साल में कितना पैसा हम कमा लेंगे? 43,500। तो टोटल जमा हो गया 43,500। दूसरे साल में आ गया 66,109,500। कितना हो गया? मतलब पहले ये था और आगे प्लस करते जा रहे हो। थर्ड ईयर में 10,200, 211,700। हमें चाहिए कितना? 250,000। मतलब और एक साल जाना पड़े। 80,460,292,160। मतलब यार 250,000 से ऊपर, 34 साल पूरा काम करेंगे तो हमें 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम। पर कितना ये नहीं काम। कम से कम 3 साल तो लगेगा ना। प्लस ये ईयर है तो ऊपर भी मैं ईयर लिख, तो 1 साल में कमाते हो 80,460 इंटू, मुझे चाहिए कितना? सर मुझे तो चाहिए 250,000 टोटल, तो एक्स्ट्रा कितना और चाहिए? 250,000 माइनस 211,700। ये गलत है क्या? अच्छा इससे करना है कि इससे करना? हाँ कर सकते हैं सर। चलो ना रिसर्च ही कर लेते, जब इतना सोचा तो थोड़ा सोच समझे। देखो भाई देखो लॉजिक तो ये कहता, लॉजिक क्या कहता है, आपका 3 साल हो चुका है और 3 साल में आप कमा चुके हो 211,700। अगर आप पूरा 4th साल काम करते हो, पूरे साल भर काम करते हो, तो आप कमा रहे हो 80,460। अब करना कैसे? ये थ्री ईयर प्लस, ये तो ठीक है, ये क्या लेना पड़े? ये वाला डिफरेंस कि ये वाला डिफरेंस? सोच ले, लॉजिक के साथ चलते। दोनों ही सही है, बताऊंगा कैसे से। दोनों ही सही है, दोनों से एक जैसा आंसर आएगा, एक जैसा आंसर आएगा। इधर भी इधर रखो, कैसे हो सकता सर? होगा। अभी मुझे इसका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। हमें और एक्स्ट्रा कितना चाहिए इन दोनों के बीच का? ना 38,300। आंसर बोल। थ्री पॉइंट हाँ पॉइंट में आए। 38,300 डिवाइडेड में 3 पॉइंट प्लस 3,476 years। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि अगर आप इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस लोगे ना तो आंसर एक जैसा है। फोर टू, अगर इसको भी उठाऊंगा आंसर 3.476 आएगा। बस मैं ये कह, टोटल 4 साल माइनस, भाई पूरा 4 साल थोड़ी लग रहा है। ये आ गया 80,460
और ये जो है ये माइनस कर दो क्योंकि इतना मुझे नहीं चाहिए। और नहीं ये नहीं, ये तो वन आएगा ऊपर ना यार, वन इंटू 42160 आंसर तो इतना ही आएगा। ये इससे किया। हाँ जी हाँ हाँ पक्का देख। हाँ इसलिए आपका आपने मैंने कॉपी चेक नहीं किया। तो कल इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया था, समझ गलत लिया था। बाकी हम यही कह रहे हैं कि 211 सस। अच्छा ये वाला किया था क्या? ये वाला किया था अपन ने, नीचे नंबर लेके लिया। अच्छा सोच रही देखो अपन लगा थे तो चाहिए ढाई लाख या 220 तो 20 है चाहिए। नहीं नहीं मैंने पूछा होगा आपने बता दिया तो मैंने लिख लिया होगा। बाकी आप देखो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल क्या है, कॉन्सेप्टुअल हो सकता है कि कल की क्लास में कुछ गड़बड़ हुआ। कॉन्सेप्ट तो यही है भाई, यहां तक कितना आ रहा हमारा 211 700। तो यार मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा ना, और डिफरेंस किसका, मुझे और कितना चाहिए, मैं बोलता हूँ और कितना चाहिए। तो ये जो है हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए वो चाहिए, मुझे तो टोटल कितना चाहिए यहाँ 2.5 लाख। तो इन दोनों के बीच का गैप ही निकालना पड़ेगा। ठीक हाँ उसको सही कर लीजिए, मैंने तो ध्यान में नहीं दिया यार। और कोई दूसरा एग्जाम्पल, ये गलती इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा एग्जाम्पल होने चाहिए तभी बात समझ है। हाँ लिख तो लो लेकिन गड़बड़ मत करना, पता लगा कंफ्यूज हो गया खुद ही। हाँ वैसे तो यही ज्यादा अच्छा है। कहता हूँ ये क्लास में YouTube में डालने वाला था, बच्चे कहेंगे कैसे बच्चे हैं यार, बताए भी नहीं सर को गलती हो रही। चलो तो CFAT हमारी पूरी समझ में आ गया। ये वाली जो बात है ना, चलो पेबैक पीरियड अच्छा है, पेबैक पीरियड पूछ लिया कम से कम हमको पता लग गया कि कौन सा डिफरेंस लेना है। ये 3500 जो टैक्स सेविंग्स है ना, ये मैं आपको समझा दूंगा स्पेशली, बाकी मैं डिटेल में कल समझा। तो पेबैक पीरियड में कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है पेबैक पीरियड। हाँ जी सिंपल है, बस एग्जाम के क्वेश्चन बनाने हैं तो वो बुक मिलेगी तब बना। अब दूसरा मेथड लिखते हैं ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा नाम है उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग, दोनों ही नाम है उसके। सेकंड मेथड लिखो, पहला पेबैक पीरियड था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यह नाम है अकाउंटिंग रेट। लिखना नहीं है बस सुनना है, ए बी आराम से सुना कॉन्सेप्ट। इसमें 1 लाख रुपए लग रहा है,
और इसमें भी 1,00,000 रुपए लगा, तो टोटल 5 साल का प्रोजेक्ट है। इसका कैश फ्लो मैं आपको बता देता हूँ, पहले साल आएगा 50,000, फिर आएगा 50,000, फिर आएगा 10,000, फिर आएगा 5,000 और फिर आएगा 2,000। मेरा ये अनुमान है कि शुरू में नई नई चीज होती है तो खूब चलता है हमारे रायपुर में, अच्छा चलेगा शुरू में, बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट में खास बात है कि पहले साल आएगा 40, फिर आएगा 40, फिर आएगा 20 और फिर तो यार 50 और फिर आएगा 80, लास्ट में बिल्कुल जमेगा। कौन सा प्रोजेक्ट करना है? दिल से काम नहीं लेना, दिल से नहीं। हाँ, यहां कितने साल में रिकवर हो रहा, 2 और यहां कितने साल में, 3, तो उस हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा, पेबैक के हिसाब से 1 और दिल के हिसाब से, हाँ। पर पेबैक पीरियड के साथ समस्या क्या है मालूम है, कि वो सिर्फ वहीं तक के कैश फ्लो को कंसीडर करता है जहां तक पैसा रिकवर हो जाता है, उसके बाद को वो इग्नोर कर देता है। पर लॉजिकली आपको दिख रहा है यार कि यार ये अच्छा, इससे अच्छा तो ये बाद में पैसा ज्यादा आ रहा है, उस हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, बी। तो पेबैक पीरियड में कमियां थी, इसलिए एक नया मेथड आया जिसका नाम है अकाउंटिंग रेट। तो क्या अच्छा गुडविल निकालने की बहुत सारी मेथड्स है, एक्यूरेट गुडविल किससे निकलती है, एक्यूरेट बिल्कुल यही है, किसी से भी नहीं, तभी तो 4 पढ़ते हैं ना, 4-5 के आप क्या पढ़ते हो। ऐसे यहां भी ARR में भी कुछ समस्या होगी तो NPV पे आएगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो किसी और पे आएगी, मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है। अब ARR क्या बोलता है, ARR बोलता है सुनो ये जो आप टाइम पास कर रहे हो ना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हटाओ, हमें चाहिए नहीं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, बोला हम अकाउंटिंग के हिसाब से काम करेंगे, और अकाउंटिंग वाले कैश फ्लो को नहीं देखते, वो प्रॉफिट को देखते। तो बोले हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की बात नहीं करना है, हमें बात करना आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अकाउंटिंग के हिसाब से। अच्छा अकाउंटिंग के हिसाब से ये कितने साल का, मान लो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो ये कितने साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 5 साल। क्या इसका एवरेज निकाल सकते, एवरेज कैसे निकलते पता है, सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 5, कितना 23,400। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमाया आपने 23,400 ऑन एन एवरेज, कितना लगाकर 1,00,000 परसेंटेज निकाल सकते, 23.4%। इसी का नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न निकालना तो यार आप अच्छे से, आप इसी को अच्छा अच्छा नाम देते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और भी बहुत सारे नाम देते हो, यहाँ सीधे इन्वेस्टमेंट कितना है 1,00,000, उस पर कमा कितना आ रहा है 2,300। पर ये ROI नहीं है, अगर आपका रेशियो वेशियो का नॉलेज हो, वो ROI में EBIT ऊपर लेते, मैं यहाँ PAT ले रहा हूँ, है ना, तो कितना कमा रहे हो 23.40%। ऐसे इसका निकाला मन से बोल रहा हूँ, और इसका आ रहा है 30%, मन से बोला मन से, कौन सा करोगे, बस खत्म। इसका नाम है ARR। तो ARR मेन मुद्दे की बात है, ARR किस पर फोकस करता है, CFAT पे कि PAT पर, PAT पर लिखते हैं, तो लिखोगे फर्स्ट, नहीं नोट ही है, अब एक बार लिखाऊंगा, एक एग्जांपल करेंगे, खत्म करेंगे। ARR इज अ रेशियो ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू इन्वेस्टमेंट।
एआरआर निकालने का फॉर्मूला, जो ऊपर लिखा उसी को फॉर्मूले में लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100। ठीक है, डिसीजन कैसे लोगे भाई? दो प्रोजेक्ट है, हायर इज बेटर, याद रखना मैंने यहाँ इनिशियल शब्द नहीं लिखवा रखा, कुछ राज है उसमें, अभी वो रहने दो, अभी मैं करवाऊंगा धीरे। लिखोगे एक एग्जांपल, इस पे भी एक एग्जांपल हो, चाहे नोट्स कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ मशीन वन लैख टेन थाउजेंड, 1,10,000 लाइफ हमारा फेवरेट 5 साल, और कोई चैलेंज वाला क्वेश्चन दो ना, मजा है। वही सोच रहा हूँ, जुगाड़ लगा रहा हूँ अभी। CFBT, हालांकि CFBT की जरूरत नहीं है, ARR में किसकी जरूरत है? PAT। संभाल लोगे क्वेश्चन? हाँ सर, -10,000। ठीक सर, मतलब कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिए। हाँ ज्यादा खर्चा हो गया, जितना आना था उससे ज्यादा चला, पर पहले साल होता है, दिक्कत होती है बिजनेस में। फिर आ गया 50,000, फिर 60,000, फिर 45,000 और फिर 50,000, और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा 20%, डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा 20% पर एनम। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा आप कैलकुलेशन में टाइम खराब कर, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। कैलकुलेट आपका फेवरेट पेबैक पीरियड एआरआर, लिखा CFAT में तो टाइम लगना है, बाकी तो आप कर लोगे फिर जल्दी जल्दी से। तो माइनस क्या होगा? डेप्रिसिएशन, आपको पता कुछ लोगों को तो इतना नॉलेज होता है, वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलना स्टार्ट करते हैं, पता नहीं टैक्स कहां से कैसे कैसे पढ़ रखा है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है बोले।
ऐसा तो नहीं कर रहा सीएबीटी माइनस टैक्स। हाँ वैसे मैं एआरआर में फंस हो गए। मुझसे गलती हो गई। मैं 1 लाख क्या बच, क्या किया जाए, इसको 1 लाख कर दूं क्या? अच्छा ठीक 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 मुझसे गलती हुई है। ओके मुझे लास्ट का बता दोगे कि दो चीजें लगेगा मुझे, एक तो पैट और दूसरा लगेगा उससे डेप्रिसिएशन से गलती हो रही है ना। मुझे बताओगे पेट कितना आ रहा है? अच्छा पहला वाला भर बता दो, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 22,000। तो कितना आ गया है? 32,000। ठीक है ये आ गया मेरा पीबीटी। अब क्या निकालोगे? टैक्स। पीबीटी भी नेगेटिव में आ गया 9,600। ठीक है तो ये कितना आ गया पैट? नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा वही है जिसने पैट निकाला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
अच्छा फर्स्ट ईयर का नहीं निकाला भाई, आपने भी नहीं निकाला। कितना? 32,000 - 9,600 ना। हाँ सही है, नेगेटिव। प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन 22,000। अच्छा पैट निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ एआरआर में तो लगेगा पैट। चलो तो यहाँ आ गया मेरा सी एफ ए टी और कितना आ गया पहले साल का नेगेटिव 400। बाकी तो बताइए सर, बाकी तो निकाल लिया होगा। होता है हाँ सी पहले तो पहला तो 400 आया ठीक नेगेटिव। तो पे बैक पीरियड की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। पे बैक पीरियड फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा भाई? -400। तो यहाँ आ जाएगा -400। सेकेंड ईयर में कितना आ रहा था सी एफ ए टी? 41600। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 41200। ठीक है ना यार। थर्ड 48, तो टोटल कितना हो गया? 89800। और फोर्थ ईयर में 38100, 1,27,900। ये तो आगे निकल गया ठीक है। तो पे बैक पीरियड 3 साल प्लस 1 में कितना आ रहा? 38100। हमें चाहिए कितना? 20,200। मतलब डिफरेंस इससे निकालना है आपका। तो 3.53 years। हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है आपका नंबर 10.82% है। एआरआर निकाल लेते हैं। एआर के लिए पैट चाहिए, उसका एवरेज करेंगे। अगर जिन्होंने पैट नहीं निकाला सीएफएटी निकाला है तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कैसे हो सकता है पैट कैसे निकाल सकते? है ना यार, सीएफ 80 से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो पैट आ जाएगा। वैसे कर लीजिए एक ही बात नहीं तो इसमें ना आप पहले क्या आप इंतजार करते थे, अब इंतजार का यहाँ खुद को बनाना है सब कुछ। एआरआर कितना आ रहा भाई? 82 पकड़ लेते, 10.82% एक बार पैट बता दोगे? फर्स्ट ईयर का कितना आया था पैट? 22,400 ठीक है। सेकंड ईयर का 19, थर्ड 26,600, फिर 16,100, फिर 19,000।
टाइम ज्यादा लग रहा है। अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। चाहे आप ये फाइनल में, चाहे आप कोई भी चैप्टर कीजिए, उसके बिना काम नहीं हो सकता। ये फाइनल की भी बात कर रहा हूँ और आपके आईपीसीसी। इट मींस दो मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया, पे बैक पीरियड और एआर। अब मुझे इधर वाली चार मेथड्स पढ़ाना है, पर उससे पहले मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज होना चाहिए, उसके बिना होने से हाँ और कुछ नहीं। तो सर हमको क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बताओ। वो पूछेगा कि बताओ प्रोजेक्ट कौन सा करे यूजिंग पे बैक पीरियड, ए आर आर, एन पी वी, आई आर आर, 10 नंबर। हाँ आप ये मत समझो कि वाह बस खत्म, वो सब डालेगा धीरे धीरे। आपको बुक नहीं है ना, बुक से मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। वाह सर मजा आ गया। तो अब मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज चाहिए, और मैं जानता हूँ कि सी ए फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर यहाँ जरूरत है। तो अब इसी में एक टॉपिक लिखते हैं छोटा सा, क्योंकि उसके बिना हमारा कैपिटल बिल्डिंग आगे नहीं जा सकता। नहीं नहीं इसी में लिख लो, लगेगा लगेगा। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ आपके जहां लिखना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे जरूरत पड़ेगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक तो ज्यादा बात नहीं करूंगी, तो फटाफट से हो जाएगा। मुझे करवाना फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल कैश फ्लो। बस फाउंडेशन में था कि ये टॉपिक आपका, बस तो एक ओवरव्यू देना है बस। तो फर्स्ट लिखना फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, लिखोगे मेरे साथ टॉपिक डालोगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। एग्जाम्पल फॉर्मूला होता है नहीं होता है क्या होता है वो मुझे तो पता नहीं है, याद भी नहीं है। तो पहले एग्जाम्पल राम वांट्स टू एस्ट रुपीस
1 lakh at the rate 10% per annum. तो राम कितना रुपया डिपॉजिट करना चाहता बैंक में? 1 लाख. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर. कैलकुलेट. अमाउंट रिसीवेबल इफ इन्वेस्टमेंट पीरियड इज 1 year. इट मीन्स राम कहता है यार 1 साल के लिए जमा करूंगा बस. या फिर राम ऐसा कहता है कि नहीं नहीं अगर मैं 2 साल के लिए जमा करता हूं तो कितना मिलेगा. या ऐसा भी कह सकता है कि मैं अगर 3 साल के लिए जमा करूं तो कितना मिलेगा. या क्या हो सकता है 4 साल या चलो 10 साल बस इससे ज्यादा नहीं. हाँ 10 साल के लिए भी जमा फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी. सवाल बस इतना है कि राम 1 लाख रुपया जमा करेगा 10% के हिसाब से बैंक में तो 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट. कैसे निकल रहे मैं लिखूं? हाँ 1 साल पहले 1 साल सिर्फ कंडीशन नंबर 1 की 1 ही साल के लिए जमा करें. बाकी के लिए सोचेंगे मैं अभी बात 1 साल के लिए कर. तो कितना निकाला आपने 1 साल लिखना नहीं बस सुनना. ये कब का वैल्यू निकाल रहे हो? आज का कि फ्यूचर का? फ्यूचर का ना यार. फ्यूचर का फ्यूचर वैल्यू बोलते. आज का वैल्यू कितना? 1 लाख. जो आज 1 लाख है वो 1:10 हो जाएगा. तो ये निकाला कैसे पहले ये बता दो. 1 लाख ऐसे प्लस बस. चलो कोई बात नहीं मैं सॉल्व तो कर लूं. 1 लाख 10% को क्या लिख सकते हैं? 0.10. आंसर आ जाएगा 1,10,000. वो कैलकुलेटर नहीं चलेगा. आप कैलकुलेटर की बात मत करो. आपको मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन चाहिए सर. हाँ वही तो यार. अच्छा मैं यहाँ देखिए. हाँ 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 10% अभी ठीक है. अच्छा सुनो 10% को ना परसेंटेज को मैं ऐसे 0.10 भी लिख सकता हूँ. तो 1 लाख इंटू 1 प्लस 1 लाख इंटू 0.10 ठीक. अब यार 1 लाख और 1 लाख कॉमन हो गया तो 1 लाख इंटू 1.10 भी कर सकता हूँ. अब बच्चे ना यार मतलब हद होती है. फाइनल वाले बच्चे पूछते सर 10% तो 1.10 कहाँ से आया? कैसी बात कर रहे हो यार? ये तो 1.10 समझ में आना चाहिए आपको. कैसे है? सिंपल है ये. ठीक है फ्यूचर वैल्यू निकालने का एक्चुअल में फॉर्मूला है और फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस कुछ बच्चे आई भी बोलते कुछ बच्चे आर भी बोलते हैं और टू द पावर क्या हो जाता है एन नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है ये पूछूंगा पावर एन क्यों हुआ. अभी तो हमको इवन प्लस आई समझ में आ गया. तो जो भी करना है हमको फॉर्मूले से करना है. तो फॉर्मूला एक बार मैं लिख लेता हूं. लिखोगे अगर आप डिपॉजिट कितने साल के लिए कर रहे हो? 1 साल के लिए. तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू. हम आर यूज किया करेंगे टू द पावर एन. हाँ आई भी यूज कर सकते कोई दिक्कत. फाइनल में तो मैं आर ही यूज करवाऊंगा. एक लाख और यहां क्या जाएगा 1.10. आंसर कितना जाएगा? 1 लाख अगर हम 2 साल के लिए जमा
1,21,000 का लॉजिक क्या है? मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैंने बैंक में, समझते थोड़ा सा, बैंक में पैसे जमा किया 1,00,000, एक साल हुआ कितना हो गया, मैंने 10,000 में, इनका मेरा ब्याज तो दे दो भाई कम से कम। इट मीन्स मैं इंटरेस्ट विड्रॉ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरा कंपाउंडिंग चलेगा, ठीक है, तो हम इंटरेस्ट बीच में नहीं निकालेंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 1,00,000 1.10 पावर 2 1,00,000 इंटू मैं कितना जाएगा 1.12। ये 1.12 कैसे आया? 1.21 कैसे आया? 1.1 इनटू इक्वल टू, है ना। जब आप अपना मॉड्यूल खोलोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके पीछे टेबल दिखा रहेगा, समझना जरूरी है। और मुझे ये, इसको बोलते, ये जो मैंने निकाला ना, ये जो आपने निकाला ना 1.21, इसको बोलते फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स। ये फैक्टर ही है, ये जो निकाला ना ये फैक्टर ही था, ये 1.21 आपको निकालना आता है। पर ये टेबल अभी समझ लो कि कहाँ दिया रहेगा। अगर मैं कहता हूँ कितने साल के लिए जमा कर रहे थे आप, 2 साल के लिए, रेट क्या है, तो क्या दिखेगा आपको 1.2। क्या आप किसी भी साल का, मैं आपको रेट दे दूं, मैं आपको ईयर दे दूं, तो क्या इस टेबल में किसी भी ईयर का फैक्टर निकाल सकते हो? हाँ, अगर सोचो 3 साल के लिए जमा करते तो फैक्टर क्या इतना ही आता, कैसे करोगे 1.10 इंटू इक्वल टू इक्वल टू, तो यह जाएगा। तो ये क्या इसको याद करना पड़ेगा? जरूरत है, किसी भी टेबल को याद नहीं करना है, पर नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि ना मालूम है, आपको क्वेश्चन जब देगा ना तो क्वेश्चन के साथ ये उठा कर दे देगा, तो हमको ना, और सुनना ध्यान से, मैं क्यों समझा रहा हूँ समझ रहा, इसके हिसाब से फैक्टर है, समझना क्या बोल रहा हूँ, 10% के हिसाब से 1.3311, ठीक, टेबल के हिसाब से। और आपका कैलकुलेटर में आया मान लो 1.3310, अगर आपको कैलकुलेटर वाला पता तो आप वही उठाकर करोगे, जबकि अगर ये दिया है तो भाई इसी को यूज करना, अपना कैलकुलेटर मत चलाना, बस इसलिए मैं ये आपको समझाती हुई चलूंगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर भी बोल सकते, तो इसको मैं लिख देता हूं, इसका नाम है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, PFVIF। कितने परसेंट का, कितने साल का, 2 साल, ऐसे लिखा जाए, आगे नहीं लिखेंगे, पर हमको नॉलेज होना जरूरी कि ये क्या है। आंसर तो उतना ही आएगा, कितना, 1,00,000। अगर 3 साल के लिए हो तो 1,00,000 1.10 पावर क्या हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 1,33,100, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 साल हो तो 1,00,000, तो सॉल्व कैसे करते हैं? हाँ जी, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हाँ, 1.1 नहीं, मुझे समझ में आ गया, बस मैं समझ गया मैं आपका सोच रहा हूं कि अगर ये होता 100 बार
तो फिर क्या बार 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 मल्टीप्लाई हो गया। इट मींस इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, 1.10 इनटू इक्वल टू कितने बार हो गया, तो 1.10 इनटू इक्वल टू किया तो दो बार, और उसका डबल कर देते इनटू इक्वल टू, चार हो जाएगा, डबल डबल होते चले। ऐसे ही करते ना यार बार बार, ठीक है चल जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, 1.46410। चलो 10 साल वाला देखते, 5 साल तक, 5 साल तो दिया ही नहीं मैंने, 10 साल की बात कर। एक लाख 1.10 पावर 10, 5 में जाके डबल कर देंगे, 1.10 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5 इंटू इक्वल टू इंटू 1 लाख 2,59,371,4। और पिछले बार भी बच्चों को मैंने ट्रिक बताया था ये वाली, इनटू करके ऐसा डबल, तो एक बार वो डबल करके देखते थे उससे, और फिर वापस कैलकुलेटर चेक करते थे, भाई तो फिर मत करो पहले जैसा कर रहे थे वैसे ही करो वापस वेरीफाई करते थे। तो मेरे ख्याल से यार फ्यूचर वैल्यू में कुछ था नहीं, बस वो टेबल आपको दिखाना चाहता था कि ये देखो ये वाला टेबल होता है फ्यूचर। सेकंड टॉपिक लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फ्यूचर वैल्यू वैल्यू तो नहीं आता, पर प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब पॉइंट नंबर 2 और 3 ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस एक बात पूछ रहा हूँ, कोशिश करूंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की। फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपने मुझे बताया, क्या बताया था, प्रेजेंट वैल्यू 1+i^n। इससे क्या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन सकता है, ये वाला डिवाइड हो जाएगा। एक बार फॉर्मूला लिख लेते सोचेंगे क्या सर, फॉर्मूला कहीं लिखना पड़ेगा, ही कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख लेते हैं यहाँ, क्वेश्चन में लिखना नहीं पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू नहीं, ये वाले फॉर्मूले थोड़े मिट्टे प्रेजेंट नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्यों नहीं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ इसमें जरूरत। एग्जांपल नंबर 1, मैं कुछ पैसा जमा कर रहा हूं, रेट 10%, 2 साल में कितना मिलेगा मैं वो बता देता हूं, मतलब मैं क्या बता रहा हूं आप फ्यूचर वैल्यू बता, कैश इनफ्लोस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर रुपीज 2,50,000, 2,50,000 रुपए मिले, रेट 10% पर एनम। तो सर मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। आज कितना जमा करेंगे,
कैसे सॉल्व किया? मैं सीख लेता हूँ। हाँ मतलब कैसे, यहाँ लिखूं क्या? 1.10 इंटू इक्वल फिर पक्का ना यार, जो बोलोगे यहाँ सब ये सब। कितना आंसर कितना आ रहा है भाई फाइनल, पहले ये बता। 2012 अप्रोक्स कितना ना? चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, कोई मेरी भी सुनेगा अब मेरी सुन लो। कैलकुलेटर में 250,000 डिवाइडेड बाय 1.10 दो बार इक्वल टू, ये जब डिवाइड करना तो यार, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा ना। क्यों विकार में पहले नीचे वाला सॉल्व कर रहे हो? ये तो वैसे ही हो गया, 250,000 डिवाइडेड बाय 1.10 दो बार इक्वल टू, ये तो सिंपल है। अच्छा एक बात समझ लो भाई, मैं सुनो भाई सुन लो, मुझे आप कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, मुझे चाहिए जरूरी है जीटी। हाँ अगर जीटी नहीं है ना, बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। जीटी है या नहीं है कैल? अच्छा जीटी लगेगा बेटे, और यहाँ नहीं आखिरी तक लगने वाला है। दूसरा और डिजिट चाहिए मुझे, ये प्लस अब्लिक माइनस दिख रहा है, ये दो चीजें मुझको। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं लगेगा बेटे, क्योंकि हम फाइनल में कैलकुलेटर ही चेंज करवा देते हैं ना, इसी कारण। अब सुनोगे, तैयार हो? ये आंसर आ गया ना सबका? करना तो ऐसे ही है, ठीक है, करना तो ऐसे ही पड़ेगा जैसा मैं बता रहा हूं। दो लाख पचास हजार कोई दिक्कत है क्या? एक ही तो बात है, बस इनटू वन इधर कर दिया। इसका क्या है जरा बताओगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.10 0.826 ठीक। आंसर बोलो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर 2066। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या पता टू जीरो सिक्स फाइव डबल जीरो आप लिख कुछ और रहे हो, मल्टीप्लाई किसी और से कर रहे हो, वो गलत है। एग्जाम में कैसे कटेगा नंबर? जो लिखा है उसी से मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, तीन डिजिट लिया, वैसे चार भी ले सकते, बताएगा क्वेश्चन, ठीक कट जाएगा। वो जो पेपर चेक करता ना उसको समझ में नहीं आता, वो सजेस्टेड देखता कट।
कुछ नहीं कर सकते। देखो यार फाइनल में मैं इतनी सुबह से, सुबह 7 बजे मेरी क्लास होती, इतनी गालियां देता हूँ इंस्टीट्यूट को, मेरे साथ बच्चे भी देते, कोई फायदा थोड़ी ना हमको। तो मुझे बताओ ये मालूम है इसको कुछ बोलते हैं, इसका कुछ नाम, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी फैक्टर लिख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कितने परसेंट का है? 10%। कितने साल का? इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। ये निकाला कैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? 1 / 1.10 दो बार इक्वल टू, ऐसे ही करना है क्योंकि आगे मुझे फिर दिक्कत होगी। ऐसे करोगे तो अभी तो मैं बहुत सारा मिक्स कर दूंगा तो फिर फंसोगे। मैं कह रहा हूँ सिंपल करता है, वन पहले हम वन, आप पहले ये इस पर जा रहे हैं नीचे, मैं यहीं से कर रहा हूँ 1 / 1.10 दो बार इक्वल टू कर दिया तो ये आ गया। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर देखो 1 / 1.10 इक्वल टू करो पहले सेल का फैक्टर 0.909, फिर इक्वल टू करो 0.826, फिर इक्वल टू करो 0.751, ये 683 इक्वल टू करते जाओगे तो ये आते जाएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको ये फैक्टर जो है ना, हमें टेबल की जरूरत ना पड़े। ये होती है टेबल, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, तो एनटी ये वाला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। अब सुनोगे ध्यान से, इसने 4 डिजिट में दिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक काम करो 9% के हिसाब से 5th ईयर का फैक्टर निकाल कर बताओ, मतलब 1 / 0.09, ठीक है। इट मीन्स क्या इस टेबल का हमें कोई यूज है? हमारी बुक में होगा क्या? हमारी बुक में क्वेश्चन के साथ ना, जैसे 10% रेट है ना, तो उसका फैक्टर दे देगा, फैक्टर दे देगा और बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन ये थे कि आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, बस बारीकियां समझो यार, मुझे आपको पास करवाना। ऐसे एक्यूरेसी किसमें जरा बताओ, एक्यूरेट कौन सा? ये वाला 100% ये वाला एक्यूरेट है। और अगर ये करके आते तो गलत होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। पर अगर क्वेश्चन के साथ ही फैक्टर दे रखा है और यही दे रखा है तो आपको यही मल्टीप्लाई, आपके आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा क्योंकि ये अभी एक ही निकालो, ऐसे बहुत सारा प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, टोटल मारोगे तो आपका तो टोटल मिलेगा ही नहीं, आपका मैच ही नहीं होगा, नंबर कट जाए। तो मेरा काम है कि भाई, मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना और आपको अच्छे नंबरों से पास करवाना, तो मुझे मालूम है कि क्या क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। अगर फैक्टर दिया, एक एक रूल्स बनाते हैं हम लोग अपने लिए और इंस्टीट्यूट, अगर फैक्टर दिया तो फैक्टर यूज करें, अगर फैक्टर नहीं दिया तो हम शॉर्टकट यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो जी अगला एग्जांपल, हाँ इसी सिंगल कैश फ्लो है, सिंगल मल्टीपल कैश फ्लो रहेगा पर अलग अलग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं कैश इनफ्लोस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। पहले साल कुछ पैसा मिलेगा, दूसरे साल कुछ पैसा मिलेगा, तीसरे साल कुछ पैसा मिलेगा, चौथे सर कितना कितना मिलेगा? 30,000, 12,000, 8,000 और 15,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 12% पर है। और जो पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होगा? किसका? जो पहले साल मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, जो दूसरे, सबका प्रेजेंट वैल्यू जोड़कर बताओ।
ये पहला पहले साल तो डिवाइडेड बाय 1.12 पावर क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा पावर 2, समझ गए? फैक्टर लेकर कर रहे हो क्या? मतलब मैं समझा नहीं। हाँ अभी पूरा ले लो, पूरा ले लो। मैं बस, मैं बच्चों, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि वो आप टेबल यूज कर रहे हो, ये वाला टेबल प्रेजेंट वैल्यू टेबल यूज कर रहे हो कि फिर डायरेक्ट निकाल डिवाइड वाले से कर रहे हो? डिवाइड वाले से कर रहे हो ना, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं डिवाइड वाले से ही बोल रहा हूँ, फैक्टर से तो हम आसानी से कर रहे हैं। हाँ जी, और फिर सबको टोटल कर दीजिए। आंसर तभी देना जब कॉन्फिडेंस हो। हाँ बिल्कुल सही निकला। अच्छा दोनों का अलग अलग है, आंसर बोलो। तीनों का अलग अलग हो तो और ज्यादा मजा आएगा। बयालीस 650 ये आसपास होता है। एम प्लस यूज करना नहीं आता है क्या? पहली बात समझ लो, क्योंकि मुझे चाहिए स्पीड और आपकी स्पीड से मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, मुझे स्पीड चाहिए। तो अब सुनो सुनो सुनो, मैं जो बता रहा हूँ मैं जानता हूँ, मैं कैलकुलेटर चला रहा आपसे अच्छे से जानता हूँ, तो पहले सुनना ध्यान से कि कैसे करें। एम प्लस यूज करना आना चाहिए, जो आपको नहीं आ रहा है तो पहले एम प्लस आना है। तो अब कैसे यूज किया जाता है एम प्लस मैं बता। बीस हजार डिवाइडेड बाय 1.12
और एम प्लस 12,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस 8,000 तीन बार इक्वल टू एम प्लस 15,000 चार बार इक्वल टू एम प्लस और लास्ट में क्या कर दोगे एमआरसी आंसर आ गया आपका। खास बात क्या है, कुछ बच्चे जो करते हैं वो ऐसे भी करते हैं, जैसे एम प्लस में डाल दिया फिर 12,000 फिर डिवाइडेड बाय 1.12 करते हैं, वो नहीं करना, वो ऑलरेडी से हुआ कैलकुलेटर। इस ट्रिक से आपकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसा कर सकते हैं अगर फैक्टर नहीं दिया है, क्योंकि एक टॉपिक आएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसमें मैं बार 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 प्रेजेंट वैल्यू निकलवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ इससे मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों को पर ईयर शो नहीं करना, करना ही नहीं होता। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो ये कहीं नोट कर लेना, ये काम आएगा, क्योंकि बार बार में पूरे कैपिटल बस्टिंग में ये चलने वाला, इसलिए इसको नोट कर लो कि यार हम कैलकुलेटर ये सर ये एग्जाम में लिख के आएगी कि बेकार की बात, ये समझेगा ही नहीं किसी को भी, ठीक है? लिख लो कहीं कैलकुलेटर ट्रिक है, ये काम आएगा कैलकुलेटर। और दूसरा तरीका क्या हो गया था, फैक्टर वाला, फैक्टर्स किस्मत है, यह है कि बुक तो आपको मिली नहीं तो टेबल आपके पास होगी नहीं, टेबल तो सिर्फ मेरे पास है, मतलब अभी तो अच्छा मॉडर्न नहीं देखना भाई, मैं ये बोल रहा हूँ 12% का फैक्टर आप बता सकते हो ना, हम 20,000 जो भी आएगा फैक्टर मैं लिखूंगा, उसके बाद क्या जाएगा 12,000 इंटू प्लस 8,000 इंटू प्लस 15,000 इंटू। अब पहले सुनो, अगर फैक्टर दिया ना तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब अगर फैक्टर की जरूरत पड़ी, फैक्टर कैसे निकालोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू किया तो 0.893 अगर हम तीन डिजिट में ले रहे हैं तो, फिर इक्वल टू कर दो 7,971 फिर इक्वल टू किया 712,636 हाँ बस इसको मल्टीप्लाई करते जाना आंसर आएगा, पर आंसर एक्यूरेसी नहीं आएगी कि यही वाला आ जाएगा, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, ठीक। ये एक अलग तरीका है, ये अलग तरीका, ज्यादा स्पीड से काम इसी में होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, पर अगर फैक्टर दिया होगा एग्जाम में तो फैक्टर ही हो जाएगा, ठीक है? यहां तक तो प्रेजेंट वैल्यू कर रहे थे हम लोग, और प्रेजेंट वैल्यू में अभी तक हमने एक ये एक तो ये फैक्टर समझ में आ गया हमको। अगर हम टेबल देखिए एक बार, टेबल है कि मेरे, ये तो एनुअलिटी टेबल हो, बुक आएगी तब भी समझ, अभी इसको मैं तो एक प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा, अब एन्यूटी पढ़ते हैं, मतलब पॉइंट नंबर थर्ड कर रहे हैं, और थर्ड के बाद हम लोग क्लास ओवर करेंगे, ठीक है? थर्ड चौथा मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताना, मैथ्स में देखना चाहता हूँ कैसा। थर्ड में मैंने कुछ लिखवाया था यार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी,
एन्यूटी का मतलब क्या समझते हैं? मैं मैथ्स 10th में मैथ्स में कितना नंबर? 9.5. अच्छा वो कितना 90 मार्क्स. मेरा आया था 34 मार्क्स आउट ऑफ 100. ठीक, तो मुझसे तो अच्छी हो. पढ़ते प्रेजेंट में तो आप ही मदद करना, मैथ्स तो मेरा खराब है तो आप मुझे बता दीजिए ना कैसे करना. सर ये है क्या? कुछ नहीं भाई, एक एग्जांपल करो, एग्जांपल से बात समझ में. एग्जांपल, कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला आपको याद करवाना ही नहीं चाहिए. कैसे हमको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल. और सर पहले साल कितना रुपए आएगा? 15,000. मतलब सर जो ये कर रहे थे ना हम पिछला, बस वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही करना है, उसी को एनुटी बोल रहा हूँ. दूसरे साल कितना आएगा? 15,000. तीसरे साल कितना आएगा? 15,000. और चौथे साल कितना आएगा? 15,000. तो मतलब एनुटी किसको बोला जाता है? अगर हर साल सेम, बस और कुछ खत्म है. 15,000. अच्छा रेट दे दो सर, और रेट में इस बार आपको दे देता हूं 20%. और फिर से मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन तो क्वेश्चन. आपको जैसे बनाना बना, आजाद हो आप. और तीन आंसर आएंगे है ना, लिख लो यहां तीन अलग अलग आंसर है. एक दो तीन, ज्यादा की उम्मीद है आपसे. और किसी किसी के तो दो आंसर भी हो सकते. हाँ शॉर्टकट है वैसे, कैलकुलेटर ऐसा भी कर सकते थे, कैलकुलेटर से उतार. 15,000 डिवाइडेड बाय कितना? 1.20 इक्वल टू जीटी करके देख लो. हाँ ये तभी चलेगा जब अमाउंट सेम, पर ऐसे हम करते नहीं है इसको. इसको तो मुझे फैक्टर से करवाना है ना, इसलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो फैक्टर से, बस ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए. पहले साल कितना आएगा यार? 15,000, उसका फैक्टर. फिर कितना जाएगा? 15,000, उसका फैक्टर प्लस 15,000, ये फैक्टर प्लस 15,000 और ये फैक्टर. ठीक है. हाँ 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 मैं बस वहीं पहुंचने वाला हूँ. पहले साल का फैक्टर बोलो. 0.833, 0.794. अच्छा 694, आगे 579, 48, आंसर वही आएगा. लेकिन यार खास बात ये है, क्या हर साल ये सेम है, इक्वल है, एनुटी है? तो हम ये फैक्टर, क्योंकि 15,000 हम कॉमन लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टर्स दिख रहा है इसको ऐड कर देते हैं.
टू पॉइंट एड कैसे कर रहे हो जीटी से कैसे वन डिवाइडेड बाय 1.20 एक दो तीन चार जीटी वी आर गेट 2.589 ले लेता हूँ ठीक चार ठीक इसका नाम क्या है इसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्ट और पिछला वाला क्या था क्या लिख रहे थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है फैक्टर का मतलब यार उसी साल का और एन्यूटी फैक्टर मतलब मिलाकर ठीक और ये कब काम करेगा जब सेम ठीक कितना परसेंट 20% कितने साल का है ये 4 साल किसी भी साल का एन्यूटी फैक्टर निकाल सकते हो मैं एक रेट बोल रहा हूं 12% 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर चाहिए रेट है 12% टोटल 5 साल का मिला एम प्लस से भी जुगाड़ हो सकता है वैसे अगर जीती नहीं तो बार बार एम प्लस में डालना पड़ेगा 3.605 वन डिवाइडेड 1.12 एक दो तीन चार पांच जीटी 3.605 और जिनके पास जीटी नहीं है वन डिवाइड 1.12 इक्वल टू एम प्लस 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 एम आर सी कितना करना ठीक एक साल कम हो गए थे पर खास बात यह समझने की है कि क्या हमको टेबल दिया रहता है होगा हमने निकाला था अगर मैं कह रहा हूं 10% के हिसाब से 5 साल का एन्यूटी फैक्टर बताओ 10% के हिसाब से 5 साल का 3.7908 आना चाहिए 791 ले लोगे लेकिन यहां चार डिजिट 3.7908 आना तो क्या ऐसी कोई भी टेबल है जिसकी हमको जरूरत है नहीं बच्चे बोलते सर टेबल नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे भाई मत देने दो ना यार इसमें हमें हम तो चाहते हैं कि ना दे हमारे पास कैलकुलेटर है ठीक तो कुछ विशेष चीज नहीं है बस आपको ना ये याद रखना कि कौन सी चीजों को कहाँ यूज करना एन्यूटी फैक्टर को कब यूज करना और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कब यूज करना तो देखा जाए तो टोटल मिलाकर कितनी चीजें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक तो मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल पढ़ाया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल वो इम्पोर्टेंट था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये एन्यूटी ये भी इम्पोर्टेंट है ये दोनों इम्पोर्टेंट है मतलब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक कौन सा है चौथा और उसमें क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ ठीक है सॉल्यूशन आप घर जाके भी कर लेना यहाँ भी बता देना मुझे बताना कि कौन मैं भी करूँगा आप भी यहाँ थोड़ा सा चैलेंज कुछ नहीं कॉमन सेंस लगा के करना आप भी करोगे और मैं भी करूंगा देखते कौन पहले निकलता है आपके पास भी कैलकुलेटर है मेरे पास भी है ठीक है लिखोगे फॉर्मूले पे मत जाओ कॉमन सेंस पे बात करते पॉइंट नंबर 4 लिख लेते फ्यूचर वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा पहले सुन लेना अच्छे से यह है 1 साल ये 2 ये 3 और ये 4 साल मैं सोच रहा हूँ यार मैं कहीं पैसे जमा कर रहा हूँ हर साल जमा करूंगा मैं किसी बैंक में गया मैंने कहा मैं पहले साल से जमा कर रहा हूँ और कितना रुपए जमा कर रहा हूँ 8,000
मैंने कहा बैंक में आपके पास पहले साल आऊंगा और 8,000 रुपए जमा करूंगा, फिर बोला सेकंड ईयर में फिर आऊंगा फिर 8,000 रुपए जमा करूंगा और फिर यहाँ भी 8,000 रुपए जमा कर दूंगा और यहाँ भी 8,000 रुपए जमा कर दूंगा। क्या हर साल एक एक जैसा जमा करूं? और मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ यार, चौथे और सर रेट बैंक वाला इंटरेस्ट तो देगा, रेट ले लेते हैं, कितना परसेंट लेना चाहोगे? 15%। ठीक, मेरा कैलकुलेशन सिंपल सा है, 4 साल बाद जब मैं बैंक के पास 8,000 जमा करने के बाद जाऊंगा तो पूछूंगा कितना पैसा हो गया, तो बताएगा ना यार, तो मैं वही पता करना चाहता हूँ कितना पैसा हो जाएगा विथ इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? जमा पहले साल के एंड में यहां देख रहा हूं, यहां टोटल मिलाकर आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं। आप बैंक आज, मैं आज की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक साल में, एक साल बाद यहां जा रहा हूं, यहां से जमा करना स्टार्ट किया 8,000 रुपए, तो इस पे इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा? 3 साल। इस पे नहीं मिलेगा। मेरा बस ये है कि टोटल प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट यहां कितना हो जाए, बस फॉर्मूला चाहिए क्या? नहीं सर छोड़ो, हम कॉमन सेंस से काम करेंगे। हाँ एक आंसर आ गया, 39947 और एक आंसर 36739 आपका ये वाला, मतलब मेजोरिटी तो मेजोरिटी। चलो हिसाब किताब करे तो आपके हिसाब से भाई इस पे कितने साल का? 3 साल का, तो 1.15 पावर 3 होना चाहिए और इस पे 1.15 पावर 2, 1.15 और इस पे तो कुछ आएगा नहीं। सही है। हाँ जी, कहाँ गड़बड़ किया है आप लोगों ने, बस इतना बता दो, दोनों के एक जैसे आंसर है, मतलब यहाँ कहीं दो। कैलकुलेटर मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे करना, 1.15 इंटू इक्वल टू कितना बार हो गया? 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 8,000। हाँ इंटू 8,000 आंसर कितना आया ये बता। जादू है ये, जादू ही तो सिखा रहा है उसको, नहीं अभी समझ में मेरे को समझाया नहीं, पर मैंने कहा देखो ऐसे आ सकता है। हाँ अच्छा एक ही का अच्छा, मैं तो यार बड़ी उम्मीद थी कि आपने ऐसे ही किया होगा।
8,000 पहले पहले सुनो ना यार, पहले कॉमन सेंस लगाते यार, 8,000 15% बढ़ेगा ना, तो 1.15 इंटू इक्वल टू 8,000, तो ये वाला 8,000 हो जाएगा यहाँ 1,2,1,6,7, एग्री ना, ये 8,000 यहाँ जाके 12,000, 1,6,7 हो जाएगा, ये 8,000 कितना हो जाएगा देखते हैं, 1.15 इंटू इक्वल टू इंटू 8,000, तो ये वाला 8,000 हो जाएगा विथ इंटरेस्ट यहाँ 10,580, इस 8,000 की बात करें कितना हो जाएगा इंटू 1.15, तो ये आ गया 9,200, और ये 8,000 तो है, इन सबको ऐड कर लेते हैं, अल्टीमेटली तो वही है यार, 8,000 प्लस 1,2,1,6,7 प्लस 10,580 प्लस 9,200, तो यही आ गया 39,947। अच्छा ये ऐड नहीं किया था, अच्छा तो इन सबको ऐड कर लोगे तो आंसर इतना आ जाएगा, बस यही तो निकाला था। एक बात बताऊं, अगर मैं फॉर्मूले पे नहीं भी जा रहा हूँ, नहीं जाएंगे क्योंकि यार फाइनल में फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं, तो भी हम कॉमन सेंस लगा कि कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। हाँ सोच कुछ शॉर्टकट मारा जाए। अब मैंने क्या किया वो तो बिल्कुल आपके समझ में नहीं आई, क्या करवा के, पर आंसर आ गया था यही 399, वो एक्चुअली एक फॉर्मूला है, उसको उसी को एक्सप्लेन करना, बाकी और कुछ नहीं। तो कल जो क्लास रहेगी वो रहेगी 3 बजे। देखो सुनो, डेरिवेशन डेरिवेशन आपकी जिम्मेदारी, मैं देखना चाहता हूँ घर जाके कितना डेरिवेशन, मेरे पास फॉर्मूला है, मैं डेरिवेशन बताऊँ, इसका डेरिवेशन होता होगा 100%। हाँ ये डेरिवेशन मुझे चाहिए, और अभी सुनो एक्चुअल में सुनो, मैं 8,000 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स। अब सवाल ये है कि फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर निकलता कैसे, टेबल दिया रहेगा तो बात ही खत्म हो गई, पर अगर टेबल नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है 1+i(n-1)/i। क्यों किया ये आप बताओगे, ठीक इसलिए तो मैंने कहा इसका इसी का तो डेरिवेशन चाहिए मुझे। 1 रेट क्या है भाई, 15%, 1.15 पावर क्या किया 4, क्योंकि 4 साल है, माइनस क्या किया 1/0.15, तो ये करने से फैक्टर आएगा, और फैक्टर को यहां लिखूंगा 8,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यही अच्छा। अब सवाल ये है ये फॉर्मूला बना कैसे, क्या लॉजिक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बनाया नहीं, वो तो आपने ही बता दिया कि नहीं, मुझे ये क्या कहना क्या चाहता है ये बस ये जानना चाहता हूँ। कुछ तो है आपके पास टाइम है, मैं डेरिवेशन का काम आपको दे रहा हूँ, कल जो डेरिवेशन करके आएगा पार्टी, ठीक है, मेरी तरफ से डेरिवेशन आप करके आओगे, और नहीं तो फाइनली फिर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक लंबा थोड़ा सा अच्छा डेरिवेशन है इसका, तो कल अभी सुनो भूल गए हम कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं टॉपिक जो पढ़े उसका नाम है कैपिटल बजटिंग, पता लगा इधर भटक गए, कैपिटल बजटिंग नाम है, और उसमें सुनो दो चीजें पढ़ा, एक पढ़ा पे बैक पीरियड और ARR, कल जो गलती हुई थी याद रखना उसको ठीक कर लिया था, हम इधर का डिफरेंस ले रहे थे, मैंने भी इनके साथ साथ ले लिया था, आप नहीं थे एक्चुअली, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है कल बात करते हैं, संडे को भर क्लास नहीं होना है, बाकी क्लास आपकी रेगुलर होगी, ठीक है।